बाल्टियां बांटी गई थी, कितने यहाँ पे लोग हैं, सूखा कचरा गीला कचरा अलग डाल दिए, उठाया घर का कचरा डाल दिया, उठाया घर का कचरा डाल दिया, कितनों ने अपने पेरेंट्स को अवेयर किया है कि नहीं मम्मा ये नहीं करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग डालना है, कितने आजू बाजू वालों को अवेयर किया, नहीं आई कचरा वाली, हमने प्लॉट खा लिए, हमने फेंक दिया, ठीक है। और उसके बाद जब कचरा गीला एक्सिस कंपनी ने जो लिया था अपना कचरा और उसने जब तौलना शुरू किया तो विश्वास नहीं मानोगे, पूरे जबलपुर से सिर्फ 200 से 250 टन बस कचरा उसके पास अवेलेबल हो पाया, ठीक है। और यहाँ तक कि कटनी से कचरा मंगाया जा रहा है हमारे यहाँ, रेलवे से कचरा लिया जा रहा है, उसके बाद भी हम बुझा नहीं पा रहे। 178 करोड़ की जो कंपनी है स्मार्ट सिटी के नाम पे, जो राज्य सरकार से अमाउंट लिया गया है वो फालतू में पड़ी हुई है, इंजीनियर्स एंड इंजीनियर्स की सैलरी नहीं हो पा रही है, वहां पे जो एक उन्हें तालाब बनाया गया उसके अंदर जो मछलियां रखी गई हैं उसमें गंदा पानी डाला जा रहा है जिससे वो मछलियां खराब हो रही हैं। सेकंड चीज, वो मछलियां लोग पकड़ रहे हैं, वो मछलियां बाजारों में बिक रही हैं, उसको लोग ले रहे हैं और उसको लोग खा रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटी में एक टीम ये नहीं कर सकती है, टीम नहीं बना सकते हैं नगर निगम या दो या तीन बंदों की, हर वार्ड के लिए टीम बनाई जाए मंथली, ठीक है। आप जाके पूछे, आप जाके सर्वे कर सकते हैं कि भाई आपके यहाँ कचरा गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। चिप्स लगाई गई है, सेंस हो रही है नहीं हो रही है कोई मतलब नहीं है, चिप्स खरीद लो, कोई कॉन्सेप्ट आया है चिप्स खरीदने का, ठीक है हम खरीद लेते हैं, हम सबके घर में लगा देंगे, वो चल रही है नहीं चल रही है हमें कोई मतलब नहीं है। कचरा गाड़ी की, कचरा गाड़ी का आज उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, आधे घरों में कचरा गाड़ी आना बंद हो गई है, ठीक है। शिवम ने बताया कि डिब्बे लगे हुए हैं जो कचरे के, जो डिब्बे लगे हुए हैं जगह जगह पे, ठीक है। मदार टेकरी, चार खंबा, शीतला माई, रांची, इवन ग्रीन सिटी जो कि कचरा फैक्ट्री के अंतर्गत आता है, मेरे घर पे खुद कचरा गाड़ी एक महीने से नहीं आ रही है। आप कंप्लेन करोगे, कचरा गाड़ी वाला आएगा, वो आपको बताएगा कि आपने कंप्लेन कैसे की, उसके जो सुपरवाइजर है वो आके हमको धमकी देंगे, हमारे सामने वाले कॉलोनी वाले बोलेंगे कि नहीं हमने तो कंप्लेन नहीं की, तो कौन अवेयर है यहाँ पे जो बोल सकता है कि भाई ठीक है नहीं, हम स्मार्ट सिटी में आगे कदम बढ़ाते हैं, हम खड़े होते हैं, हम सबको अवेयर करेंगे, हाँ हमने कंप्लेन की है, हम सबको अवेयर करेंगे, कोई साथ नहीं देगा और ना स्मार्ट सिटी के लिए कोई आगे आएगा। अभी सबसे पहले मेरे हिसाब से लोगों तक पानी, सड़क और बिजली, खाना ये पहुंचाया जाए, उसके बाद सिटी को स्मार्ट बनाया जाए। बी टीम इसमें किसी को बुलवाना चाहती, बी टीम अदर पर्सन हाँ चालू है। खाना पानी बिजली उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो इम्प्लॉयमेंट आएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कैसे, स्मार्ट सिटी से ही होगा। स्मार्ट सिटी तीन या चार मंथ पहले में कोई आर्टिकल पढ़ा था, वो जबलपुर को फिल्म सिटी बनाने की कोशिश कर रहा है कि उस जबलपुर को टूरिज्म प्लेस है और यूनेस्को के तौर पर मेराघाट को बेस्ट प्लेस का वो दिया है, तो उससे क्या होगा, टूरिस्ट प्लेस के लिए टूरिस्टर आएंगे और इसके बाद जो लोकल लोग रहते हैं जैसे मान लीजिए मेराघाट में बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर कुछ ना कुछ फेमस जो चीज़ें से वो खरीद लेते हैं, तो वो तो डेवलपमेंट उनका भी होगा, वो भी खरीदेंगे और मान के चलो फिर इसके बाद होटल्स खुलेंगे स्टे करने के लिए, फिर कई यूजेस भी लोगों को मिलेगा, फिर लोग गवर्नमेंट को भी तो वहाँ से टैक्सेस आएंगे तो उसको और वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि और उसको डेवलपमेंट करने के लिए। अब यही है मैं और दीदी ने आपने कहा था कि तालाब को पोलिट कर रहे हैं, तो रानीताल को तालाब को तो जबलपुर का सबसे बड़ा तालाब था, तो एक समय तो वो पूरा कचरा जो नगर निगम ले तो पूरा तो उस तालाब के अंदर वो तो डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा है, अब जो उतना जितना वो उसके अंदर डाल रहा है तो अब 3 साल से तो वही खुदाई कर रहे हैं, कहाँ डेवलपमेंट कर रहा है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर निकाल है ना उसी में तो डेवलप हो रहा है, उसमें टाइम टू वेस्ट हो रहा है, आपने कहा कि तुरंत आपने कहा तुरंत चाहिए तुरंत, तो उसने उसको तनाव पॉइंट के फेवर में उस पॉइंट के फेवर में बोला जो डाला है वो निकालना है, उसके लिए तो टाइम लगेगा ही ना, 3 साल से तो वही रहता हूँ वही देख रहा हूँ, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स और इसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी रीजनरेट कर रहे हैं, पॉइंट का टाइम कौन
और दीदी आपको भी पता आपके घर में 24 आवर्स पानी आता है, हमारे तो आता है, हमारे यहाँ नहीं आता। जैसे भी कंप्लेन नंबर पे यदि आप कॉल करते हो तो आपकी कंप्लेन रेज हो जाती है। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था अभी लास्ट मंथ, हमारे यहाँ पूरी रोड में कीचड़ था तो वहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। हम लोगों ने भी कंप्लेन की, किसी ने नहीं सुना। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट कलेक्टेड ऑफिस हम लोग खुद गए, पूरे हमारे मोहल्ले के लोग। ठीक है, तब भी कोई कंप्लेन हम लोगों की नहीं सुनी गई। लेकिन सिविक सेंटर में जो फिर अगेन फिर हम लोगों ने डायरेक्ट कलेक्टर सर से कॉन्टेक्ट किया, फिर वो खुद से आकर उन्होंने हम लोगों को सॉल्यूशन दिया। चलिए टॉपिक खत्म करते हैं। आप बी टीम से कोई नया बंदा बोले, बी टीम से पूजा बी टीम से, राहुल बी टीम से कोई नया बंदा बोलाओ। हमारी टीम से शांति जी बोलेंगे, पॉइंट्स भी रखेंगे और पॉइंट भी सर रखते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं क्वेश्चन बोलूं तभी करना सर अंदर से। नहीं तो हाँ चलो क्वेश्चन, हाँ करो। एक क्वेश्चन है, जैसे बरादरी ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा हमारे यहाँ, कब बनेगा? नौकरी तुमको चाहिए कि तुम्हारे बच्चों को चाहिए? बहुत सही, तालियां। डेवलप होगा ना तब तक तुम दादा बन जाओगे, फिर तुम अपने नाती को कहना भाई तू जॉब ले ले। तो मेरे तो जनरेट कर सकते हो पढ़ के। अच्छा कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर खुदाई कर जोमेटो जितना आ रहा है वो तो सबको तो डिलीवरी कर, सबको तो रोजगार एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। जोमेटो की एमएनसी हो गई है तो एमबीए स्टूडेंट को 6,000 की जॉब मिलती है, वो भी कहता है रात भर भाई टेली कॉलिंग कर उससे पूछ, सर आप मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे तब मैं आपको 6,000 की जॉब दूंगा। आप पहले अपने सारे पॉइंट बोल लीजिए फिर आप इकट्ठा जवाब। हाँ ये पॉइंट सर, जैसे शिवम भैया ने कहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी आप आए होंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आए होंगे, मैंने देखा था कि आप एक मेट्रो से उतर रहे, है ना? सही बात है, क्यों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है हमारे पास, इतना है ह्यूज अमाउंट में कि हम यहाँ पे जितने 100% लोग हैं ना, इसमें से 99% सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं। इनफैक्ट मैं भी आया हूँ क्योंकि पेट्रोल आज जो हाई रेट पे है, हमको एक सेंटेंस दिया गया था कि हम यूज करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रैदर देन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ये हमारा फ्यूल भी सेव करेगा, पैसे सेव करेगा और पॉल्यूशन से भी हमको बचाएगा। पर ऐसा है हमारे पास एक वैलिड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन तो छोड़िए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जिसमें हमारी एक सिक्योरिटी हो। अभी आपकी भीड़ में से कोई एक उठ के फटाक से बोलेगा है ना भाई लाल कलर की मेट्रो जाती है, वो है हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पर उसको देखा है आपने कभी? एक वैलिड रूट है, उसके ऊपर एक टाइम लिमिट देती है कि भाई ये मेट्रो है इतने टाइम से इतने लिमिट तक जाएगी और इसी रूट में जाएगी। हमारी मेट्रो का रूट होता है विजयनगर पर वो मुड़ जाएगी घमापुर साइड को, क्यों? क्योंकि उस साइड सवारी ज्यादा है यार, और 25 की सीट में वो 150 लोग बैठा देते हैं। ये कहां से आता है? हम एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है, एयरपोर्ट में जब टिकट बुक करो उसको अगर कहीं की डायरेक्ट फ्लाइट मंगा लो तो ऐसा दिखता है जैसे उसकी किडनी मंगा ली हो मैंने, वो जैसे क्राइटेरिया पे लगा ली। नहीं हो पाएगा सर हमसे, नहीं हो पाएगा, आप कहीं और की फ्लाइट देख लो या वाया यहाँ से जाना, घूम के जाना। अब जहां से मुझे 3 घंटे ट्रेन से लगते हैं फ्लाइट में 17 घंटे लग रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ मेरे इस ट्रांसपोर्ट का? रादर देन ट्रेन जिसमें आजकल शायद ऑलमोस्ट हमने सभी ने सफर किया होगा, सभी को मालूम होगा 2015 में इटारसी की लाइन बर्स्ट हुई। जैसे ही वो लाइन बस हुई थी ये रूट पूरा जाम हो गया, खत्म हो गया था ये रूट, आपके लिए गाड़ी नहीं जा सकती इस रूट पे। उसके लिए क्या किया हमने ट्रांसपोर्ट के लिए? इतना फास्ट मूवमेंट किया या एक अलग से अरेंजमेंट करा के दिया किसी को?
कि हाँ ये आपका ट्रांसपोर्ट बंद हो गया आप यहाँ से आइए, ये सब हमारी प्रॉब्लम है। हम देखेंगे हमारा ट्रांसपोर्ट कहाँ पे जा पा रहा है। और आपके स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट एक टाइम लिमिट आएगी, 45 मिनट्स में आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। इतना 15 मिनट तो मुझे बल्देवबाग से निकलने में लग जाता है। तो 45 मिनट में अगर मुझे अपने कॉलेज ज्ञानगंगा जाना है तो दैट्स इम्पॉसिबल फॉर इट। ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज, अंडर ब्रिज में तो लोगों से ज्यादा तो पानी भरा रहता है, तो या तो तैर के जाऊं या तो गाड़ी सड़क पर रख के जाऊं।